हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करेंगे मिस्टर सत्यम गोस्वामी से, जो कि ऑलरेडी दो कंपनी में जॉब कर चुके हैं, टेली परफॉर्मेंस में और फ्यूजन में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी हमारे। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको कि आपने जी मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। जी बिल्कुल और मेरा नाम सत्यम गोस्वामी है। जी मैं पिछले एक साल से एम्प्लॉयड था। जी जी मैंने पहले अपनी करियर की स्टार्टिंग फ्यूजन से की थी, अच्छा फ्यूजन अच्छा बीपीओ सर्विसेज से। जी जी तो कलकत्ता में आप बेसिकली जानते हैं कि उसका दो ब्रांचेस है, एक आपका है सेक्टर 5 में और एक है जी आपका अंकुरहाटी। जी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अंकुरहाटी में एम्प्लॉयड था अच्छा एज अच्छा एन की अकाउंट मैनेजर। जो अच्छा हमारे सप्लायर थे, जो मीशो में न्यू सप्लायर अबॉर्ड किए जाते थे जी 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 हमारे कलीग्स के थ्रू, हमारा काम ये था कि उनको जो मीशो के जो ऑनलाइन पोर्टल है वो अच्छा अच्छा कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छा अच्छा और जैसे भी जो भी कैटलॉग उनको अपलोड करने होते हैं, अगर जी वो उनको कोई नॉलेज नहीं होता तो हम उनकी हेल्प करते हैं कि कैटलॉग अच्छा कैसे अपलोड करते हैं, अच्छा और अच्छा पैनल के बारे में हम पूरे समझाते थे। तो टोटल ऑल हमारे एक महीने के 60 सप्लायर्स होते थे जो अच्छा कि नए अच्छा आते थे, अबॉर्ड होते थे। तो ऑनबोर्डिंग के बाद हमारा काम ये होता था कि उनको उनका सप्लायर पैनल जो है इंट्रोड्यूस कराना। तो 60 अच्छा सप्लायर होते थे, तो हर अच्छा सप्लायर हमारे डे वाइज में होता था। अच्छा तो अच्छा हमारा टोटल 6 डे वर्किंग था, संडे प्रॉपर ऑफ था हमारा। उस अच्छा बेसिस पे हम लोग काम करते। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो पोस्ट था वो किस पोजीशन पे थे आप फ्यूजन बीपीओ में? मेरा था कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मतलब कस्टमर बट सपोर्ट वहां एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तो आपका जी जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, वो नॉर्मल इंटरव्यू जैसे कि होते हैं वैसा हुआ या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपसे कुछ पूछा गया था या कुछ डिमांड किया गया था? नहीं, हमारे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया गया था, क्योंकि अच्छा मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो मैं एक फ्रेंड के थ्रू गया था, अच्छा अच्छा मतलब फ्रेंड ने तो एक आपको फ्रेंड के रेफरेंस किया, आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो अगर हम लोग जी बात कर ले वर्किंग डेज की, तो आपने बताया कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज होता था, ठीक है, जी और जी शिफ्टिंग की अगर बात कर ले तो कौन सा शिफ्ट में आप जॉब कर रहे थे उस टाइम? हमारी शिफ्टिंग थी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। शाम 7 बजे तक। और अच्छा, हमारा जैसे कि जी और वीक ऑफ डेज कितने होते हैं? वीक ऑफ डेज आपका संडे हमारा प्रॉपर वीक मतलब ऑफ प्रॉपर होता ये था। फिक्स रहता है, ये रोटेशनल नहीं होता है कि जैसे टीएल होता है कि टीएल के अकॉर्डिंग, मान लो कि चलो भाई मंडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको संडे ही हो। लेकिन आपने बताया जैसा कि मुझे संडे ही एकदम कंफर्म था, प्रॉपर था कि संडे को वीक ऑफ कंफर्म था, है ना? जी, क्योंकि हम जिस फील्ड पे कर रहे थे वो जी जी हमारा था सप्लायर सपोर्ट। सप्लायर्स को कॉल करके अपडेट करना पड़ता था। अगर हम कस्टमर केयर पे होते हैं, जो हमारे कस्टमर हमें कॉल करते हैं, तो वो रोटेशनल शिफ्ट में आती, रोटेशनल तो जैसे हमारा शिफ्ट आउटबाउंड या रोटेशनल। इनबाउंड हो गया, है ना? जी जी, अच्छा। आपने कितने तो महीने काम किया था फ्यूजन में? मैंने ऑलमोस्ट वहां पे 1 साल काम किया एक था साल अदर काम की किया था। अकाउंट मैनेजर बनकर। अच्छा, जी तो आपका अगर वर्किंग प्रेशर की बात कर ले सत्यम, तो कैसा लगा वहां का कल्चर बोल दी या वर्किंग प्रेशर बोले तो? क्या आप हमारे ऑडियंस के, जो कि नए नए ऑडियंस है या नए नए कैंडिडेट हैं जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो टीएल थी वो काफी यंग थी और अच्छा काफी अच्छा फ्रेंडली थी हमारे थ्रू। तो जिस तरह का वर्क प्रेशर था, हमें तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, अच्छा तो हम अच्छा लोग वर्क अच्छा फ्रॉम होम ही में थे काफी टाइम से। तो हमारी जो भी कॉन्टैक्ट होती थी हमारे थ्रू व्हाट्सएप चैट, हमारे जो ग्रुप मीटिंग्स होते थे उसमें जी होती थी, जी जी और उसमें प्रेशर हार्डली से हार्डली आपको प्रेशर बहुत कम आता था। बट जब आपकी काम की वर्कलोड ज्यादा होती थी, टीएल को ऊपर से प्रेशर आते थे, तब हम पे थोड़ा सा प्रेशर आता था। अच्छा, बट मतलब जो कि ओवरऑल प्राइवेट देखा सेक्टर जाए में जी ऑलरेडी रहता है, ये थोड़ा सा प्रेशर तो झेलना ही एग्जैक्टली हाँ होगा। बिल्कुल। अच्छा। और जैसे अगर बात तो कर लें सैलरी की, अगर हम लोग बात कर लें, तो सैलरी उस समय कितनी रिसीव करते थे आप, मतलब कैश इन हैंड या बोलो या सीटीसी बोले तो? मेरी सीटीसी थी आपकी 14,500 अच्छा और मेरे अच्छा को जो इन हैंड आता था वो था 12,500। अच्छा। इसका एक पार्टिकुलर डेट होता था या फिर कंपनी के अलग अलग डेट होते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए, नहीं, हाँ उसका जो फर्स्ट फिफ्टी आप जानते हैं, जैसे कि हर प्राइवेट जो जेनुइन सेक्टर्स में आते हैं, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन लोगों का सैलरी रेट जो मिनिमम होता है वो 1 से 5 का होता है। और हमारा अच्छा, जो सैलरी रेट था वो 1 तारीख को होता था, मतलब भले हाँ वो संडे अच्छा को। अच्छा बहुत सारे ऑफिसेस में आपने देखा होगा कि संडे को अगर 1 तारीख होता है, फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग मंथ होता है, तो उस दिन नहीं आती है। हाँ तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल में ऐसा नहीं था, अच्छा हमारे अच्छा हर फर्स्ट को सैलरी क्रेडिट हो जाती क्रेडिट। थी हमारे अकाउंट में, अच्छा, और एक उसमें चीज और पोस्ट बताइए सैलरी को सत्यम जी, लेकर जैसे दिक्कत मान नहीं लीजिए था। आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपने कभी किसी बंदे को रेफरेंस करने की कोशिश किया, जैसे आपके फ्रेंड हो गए जो जॉब करना चाह रहे थे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में थे, कि सर मैं जो मतलब मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, तो आप को उन्होंने कभी कोशिश किया कि किसी बंदे को रेफरेंस कर दिया जाए? जी बिल्कुल।
मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को आपको किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स आपका जो ओयो है डोमेस्टिक प्रोसेस फ्यूजन का उसमें है, और कुछ बंदे आपके आजियो में है, कुछ बंदे आपके मीशो के कस्टमर सपोर्ट में नहीं, है। आप अपना रेफरेंस आईडी पे आपने कोशिश किया था कि नहीं किया था? जी मैंने अपने रेफरेंस से ही उनको रेफर किया था। अच्छा, तो उसके लिए आपको कुछ रेफरेंस अमाउंट मिला था? जी फर्स्ट अच्छा अगर वो 3 मंथ काम करते हैं तो 3 मंथ का टोटल हमें मिलता है 1500, फिफ्टीन अच्छा हंड्रेड अच्छा अच्छा हर मंथ अच्छा का। अगर वो जैसे 1 मंथ कंप्लीट करता है अपना फर्स्ट मंथ, उसके बाद हमें 500 रुपीज हमें मिलते अच्छा हैं। अच्छा 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 तो ये मतलब आपने ज्यादा नहीं, 2-3 ऑलमोस्ट किया था अपने मतलब पूरा से 1 ईयर का कैरियर में अगर देखा जाए जी तो? जी हमारे ऑलमोस्ट जितने फ्रेंड है कुछ आपके ब्रिटिश टेलीकॉम में काम कर रहे हैं अच्छा, अलग और अलग कुछ कंपनीज में आपके। जॉब सर कर जी रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ का कल्चर वगैरह कैसा था? अगर हम बात कर ले कल्चर की, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? फ्यूजन की जॉब कल्चर काफी अच्छी थी। अच्छा, हमारे काफी। जो ऑपरेशंस मैनेजर थे, जो डेप्यूटी मैनेजर्स थे, और जो हमारा ग्रुप था वो काफी अच्छा था। अच्छा था उसमें मतलब। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले अपने टीयर से कंसल्ट करना पड़ता है, बट हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि हम अपने मैनेजर तक को भी रिपोर्ट कर सकते थे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे कि कुछ प्रोसेस में हम किसी प्रोसेस में हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या अपडेट करना है, तो अगर हमारा टीएल बिजी होता था किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीज में, तो हम डायरेक्ट अपने मैनेजर्स को, अपने एसएमईस को डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते थे। उतनी हमें छूट मिली हुई थी कि जो हम उनको अपने अपनी तरफ से अप्रोच कर सकते अच्छा। और एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए जो अभी मान थे। लीजिए 12th पास आउट किया हो बंदा, या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं जो अभी के हैं, वो जॉब सर्च कर रहे हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूजन में, तो उनको बेसिकली क्या उसमें एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होनी चाहिए जो अप्लाई कर सकता है, और क्या गाइडलाइंस आप उनको देना चाहेंगे? बेसिकली आपको अपना जो वर्क प्रोफाइल, अगर आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हायर सेकेंडरी, जी और बिल्कुल, मैक्सिमम आप कहीं भी जा सकते हो। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मिनिमम आप अगर वहां से क्राइटेरिया आपका मिनिमम ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी है, आप वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा हार्डली से अच्छा हार्डली आपका 2 राउंड होता है, जी जो कि जी पहला एचआर होता है, फिर आपका मैनेजर होता है डायरेक्ट, फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको इंडक्शन के लिए बुलाया जाता है कि क्या कंपनी का हिस्ट्री है, कैसे कंपनी ने ग्रो किया, प्रॉम्स अच्छा एंड अच्छा कॉन्स, आपका वीक डेज क्या होगा, सैलरी मतलब स्ट्रक्चर क्या आपको होगा, सारे कुछ आप। अच्छा जी अच्छा कंपनी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ, या फिर कंपनी के ब्रांचेस जी हेड ब्रांचेस कहाँ है ना, ये सब जी चीज इंपॉर्टेंट रखता है इंटरव्यू के दिन। वो लोग सारे अच्छा आपको बताएंगे हाँ, मतलब 2 से 3 बायचांस अगर आप। इंटरव्यू जी राउंड की बात कर ले सत्यम जी, तो कितने राउंड होंगे? 2 से 3, 3 राउंड होते हैं हार्डली तीन से राउंड हार्डली। हार्डली और से अगर हार्डली। हाँ आपकी जी और अगर अच्छा आपको पहले राउंड में अगर आपका जो एचआर हो वो समझे कि नहीं बंदा में हाँ है ऐसा कुछ एलिजिबल हाँ है, तो दो हाँ राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सत्यम जी, आपका बहुत बहुत, आपने इतना कीमती समय हमारे YouTube चैनल को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने हमें थैंक यू, काफी अच्छा आपने मुझे गाइड। अप्रोच किया। हाँ, थैंक यू सो मच, जी हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद।